गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा नेपाल खापुन खा और सॉरी ये तो वो हो गया बैंकॉक का क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे कैसे हो कैसे हाल खबर भाई यार राम रोचा राम रोचा हाँ तो भाई आज है हमारा डे टू यहाँ पे चेकआउट कर लिया हमने अपना होटल और अपनी ईवी फुल चार्ज है और अब आज एक्सप्लोर करेंगे पोखरा को दिन में कल तो रात को पहुँचे थे तो अभी तो पहले करेंगे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में अपने को फिर यही खाने में तो थकाली है तो अभी खाना खाते हैं और उसके बाद आज जगह घूमेंगे मस्त मस्ती बिंदास फुल रील फुल नज़ारे। ये भाई हमारा ब्रेकफास्ट जिसमें एक है डोसा और ये बीमार से बोले चटूरे ना? बहुत बीमार है ना खाने के बाद ही होंगे। और ये व्यू पोखरा का माल रोड और ये हम अभी परांठे भी आ रहे हैं भाई। इंडिया में कुछ भी खाओ बाहर आके इंडियन खाओ भाई है जहाज बात है ना बिल्कुल रख ले 15-20 हज़ार का है मैं ही हूँ 15-20 हज़ार का तो 15-20 हज़ार का एक सीए रख एक हाइटर रख। तो भाई अभी जा रहे हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे भाई जगह का नाम क्या है मिथलांग जगह का तो पता नहीं भाई पहुँचेंगे दिखाऊंगा लेकिन रास्ता बहुत सुंदर है बहुत ही बढ़िया। अब पता लगा भाई पोखरा मोस्टली फॉरनर्स क्यों आते हैं यहाँ की हवा जगह मस्त है मतलब वाइब ही अलग है भाई। मोस्टली फॉरनर्स काठमांडू की जगह यहाँ पे आते हैं और महीना महीना जैसे ऋषिकेश लगा लो दो दो महीने रुकते हैं ना ऐसे है यहाँ पे। और ये रास्ता देखो यहाँ से तो पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है अभी दिखाता हूँ आपको। भाई मैं टास्क ले गया हूँ 10K का इसका। वेलकम टू टापू रिजॉर्ट इन मिथलांग मिथलांग हाँ ऊपर जाओगे आपको एक मस्त सी चीज़ दिखाऊंगा जेन्युइन। और भाई कुछ कितनी है 250-300 सीढ़ियाँ होगी अलग तो रहा सारे बोलो जय माता दी। और भाई कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ ऊपर से ये देखो एक्टिविटीज़ में एक स्काई वॉक है और एक बाली स्विंग है सस्ता और ऊपर एक वियतनाम का सस्ता गोल्डन हैंड है। तो अगर आप लोग फॉरेन ट्रिप नहीं कर सकते बहुत महंगा कम टू पोखरा तो देख लो भाई बाली स्विंग सस्ता। मस्त मौसम भाई और मस्त जगह बैठ के बढ़िया कंपनी एक ड्राइवर और एक अकाउंटेंट एक डीजे भाई व्यू बहुत तगड़ा बहुत ही बढ़िया क्रेजी व्यू है यहाँ से दिख रहा है अपने को पोखरा का एयरपोर्ट और पूरी पोखरा सिटी तीन चार अलग पार्ट भी इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे। कहाँ पे इस पार्ट पे है ना 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद दूसरे पार्ट पे वहाँ क्या है सेम ऐसी लोकेशन दिखेगी दूसरे एंगल से। अच्छा भोलेनाथ से भी मिलेंगे वहाँ पे भोलेनाथ से मिलने जा रहे क्या इसकी बहन की मजे मजे चलो रे आलिए रे जा बाबा की। हाँ भाई देखो ये थोड़ा डर लग रहा है ये मिथलांग इधर ये आपका पोखरा डिस्ट्रिक्ट तो भाई पोखरा का जो मेन है ना वो है यहाँ का वेदर देखा था कितनी धूप थी और अब देखो टेम्परेचर और वेदर देखो क्या मस्त एकदम से वेदर हुआ चेंज मज़ेदार जहाँ मतलब जहाँ जिस एरिया में जाओ ना आपको यहाँ पे लेक्स दिखेगी तो ये लगा लो फौरन का नेपाल का नैनीताल है नैनीताल बोलेंगे ना हो सकता नौ ताल होते हैं वहाँ यहाँ सात है जितना मजा बारिश का है ना फायदा उतना नुकसान भी आज सारी एक्टिविटी पानी में गई बारिश के पानी में। अब एक ही प्लान समझ आ रहा है कच्चे पहनो और चप्पल पहनो लेक साइड पे आराम से भीगते हुए एंजॉय करो नजारे लो नजारे गाइस। ये देखो प्लान था भाई भोलेनाथ से मिल के आएंगे और वो स्तूपा वगैरह है एक दो जगह
बट देखते हैं बारिश रुक भी जाती है, मौसम ना भाई अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश कभी भी धूप, और धूप तो ऐसे अगर थोड़ी सी गर्मी हुई बारिश, थोड़ी गर्मी हुई बारिश। लो भाई दूसरे होटल में चेक इन, क्योंकि बाहर घूमने लायक तो कुछ भी नहीं है, बारिश आ गई मतलब एंजॉय कर लो। एक बंदा देखो भाई इंडियन कार थी, थार के ऊपर बैठ के ना बारिश फुल तेज बारिश में आराम से बियर पी रहा था। तो अपन भी सोच रहे हैं कि बाहर चलते हैं, अब चिल करते हैं थोड़ा, गाड़ी लगा दी पार्किंग में। और ये देखो भाई ये हमारा एंशिएंट रूम है भाई, 12,000 रुपये पर नाइट में मिला हमें। 1962 का ये एंटीक पीस आपके लिए, ये महात्मा गांधी इस पे बोल देखते थे, न्यूज देखते थे। सही है भाई, रूम तो सही है यार, महात्मा गांधी इसमें रील्स देख। मौसम देख रहे हो भाई, यही है मौसम, आउटफिट चेंज क्योंकि बारिश आ रही है, भीग जाएंगे सब अपना लोअर वगैरह में आ गए। और प्लान ये हो रहा है कि थोड़ा सा ना पहले बॉडी मसाज कराते हैं, यहाँ पे स्पा का कल्चर बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे है, तो बॉडी मसाज कराएंगे, उसके बाद शाम को थोड़ा घूमेंगे, और रात के लिए तो हमारी आज क्लबिंग है ही। तो ये है पोखरा में घूमना तो बहुत कुछ था आपको, वो शिव जी का टेम्पल है को हाइट पे वो भी जाना था, और शांति स्तूपा है, और एक दो लेक्स और है, बट यू नो हाँ तो भाई बारिश भी रुक गई, दिन भी निकल आया। गाइस कहाँ गए थे भाई, बहुत अच्छी मसाज थी भाई, बहुत बढ़िया जेन्युइन, मज़ा आया। हेलो इधर आ जाओ, पहले साइड इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पहले बताओ प्लान क्या है। ये रैंडम प्लान नहीं चलेंगे भाई, जनता सोचती है यार उनको कुछ बढ़िया ढंग से प्लान, यार रैंडम प्लान तो बेकार लगा। नहीं एक चोर मारो, इसकी बहन की ये का घूमन लग रहा है भाई, पकड़ोगे भाई। लैंडो ग्रुप है हमारा पूरा का पूरा, ये लगा लो कि हम KFC में ना वेज खाने के लिए आए हैं, देख लो ये KFC और वेज खा रहे, क्या राइस बोल भाई, बोला राइस बोल इनका बेस्ट है, मैं चलो खा के देखते हैं, खाया नहीं कभी KFC में, बट दिस टाइम KFC कहाँ है वो। वेलकम टू नेपाल का नैनीताल, फुल बोटिंग वाइब है, 400 रुपये की टिकट, एक मिनट रुक जा, 400 रुपये की टिकट लगी 4 जनों की, और बोटिंग चल रही है विद व्यू। जेन्युइन एकदम जेन्युइन, दस मिनट की बोटिंग के बाद भाई अभी आए हैं। ये एक टेंपल है शीताल बराही मंदिर, ताल बाराही मंदिर है। तो बोटिंग ठीक है यार, आया तो कर रहे हैं, अच्छा है, मतलब यार पीसफुल जगह बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ोन निकालने का इसमें है बैग में, फ़ोन निकाल भी नहीं रहा, बहुत पीसफुल जगह है, मस्त। कोई बढ़िया सीन था ना, मज़ेदार हवा भाई, लेक साइड पे तो 6 दिन के लिए आया ना, 6 दिन के लिए बैठो, बहुत बढ़िया सीन था। अभी चल रहे हैं भाई एक रूम पे गेटअप करेंगे, रेडी होंगे मेकअप करेंगे, उसके बाद आपको लेके चलूँ नेपाली क्लब में, एक क्लबिंग तो हर कंट्री में करिए ना, तो यहाँ कैसे छोड़ दें, नेपाल के क्लब में भी लेके चल रहा हूँ। दिखाइए जी इधर लाइव क्या है, क्या थैंक यू। और ये आज के दिन के हमारे मोमोज, हमारा नेपाल में चैलेंज चल रहा है, हमें डेली मोमोज खाने हैं। कर लेना बॉयज ट्रिप पे ना, अनप्लान बताना, ये देख लो ये तैयार हो रहा है, ये किसी और की शर्ट है, ये देखो क्लब जा रहे हैं महाकाल की शर्ट पहन के, तैयार है जय बाबा की, पहुंच रहे हैं भाई क्लब में, क्लब 16 क्लब 16 हमें 32 जय बाबा की। वैसे एक थोड़ी सी ना इशू है यार, यहाँ क्लब में ना चप्पल अलाउड नहीं हो, एक भाई है हमारे साथ चप्पल में, फ्यूचरिस्टिक चप्पल ब्रो है, इट्स फ्रॉम मार्स। अभी से जुपिटर की स्पेलिंग पूछ लूँ आएगी नहीं, इसको मार्स बोल रहे हैं।